सदर प्रखंड अंतर्गत कृषि प्रधान गांव पिंडाटार के मजदूरों के लिए मनरेगा योजना कोरोना काल में वरदान साबित हो रही है। एक और कोरोना जैसी महामारी में लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, मजदूरों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी ओर मनरेगा की योजनाएं जन कल्याणकारी योजना के रूप में ग्रामीण स्तर में उभर रही है। बताया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि मजदूरों को काम मिल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था, परंतु मनरेगा की योजनाओं जैसे कुआं, तालाब, डोभा निर्माण आदि में अब रोजगार पाकर ग्रामीण स्तर के मजदूर भरण पोषण कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि कुआं, तालाब निर्माण आदि में काम मिल जाने से हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को साइकिल चलाकर अब बाजार काम करने नहीं जाना होता है और इस लॉकडाउन में बाजार में तो काम भी नहीं मिल पाता है। इस योजना से हमें काफी लाभ मिल रहा है। हमारे झारखंड में ग्रामीण योजना जैसे हो गया मनरेगा, मनरेगा की योजना जो है सो बहुत लाभ हो रहा है। जैसे अभी पानी पीने का सुविधा नहीं रहता है, लेकिन अभी मनरेगा से हर सभी को कुआं मिल रहा है, मनरेगा से हर चीज मिल रहा है, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, चेक डैम हो गया, हर चीज का। लेकिन उसमें हर किसान को भी फायदा होता है, सभी को फायदा होता है। अभी हर जगह देखिए कुआं मिल रहा है, कुआं से क्या है कि बहुत सिंचाई होता है, किसान को तो खेती करने में बहुत आसानी होता है, बहुत की बहुत। लॉकडाउन के कारण अगर हाथ हम लोग को खराब हो गया, खाने में मर रहे हैं, लेकिन दो चार को कुआं जब खुल गया है तो को हिसाब से बेड़ा पार हो रहा है, कमाते हैं खाते हैं, इतना तकलीफ हो रहा है। ये लॉकडाउन के चलते कहीं कामें नहीं मिलता है, दो चार कुआं चल रहा है तो काम कर रहे हैं, बाल बच्चा पालन कर रहे हैं कोई हिसाब से। जगह को रहिए और ये कुआं खुल रहे तो हमने मैंने कमाई का खाए के रहिए। इस लॉकडाउन की स्थिति में मनरेगा की योजनाएं काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है ग्रामीण स्तर के लिए। यहाँ के मजदूरों को बाज़ार में काम मिल पाना इस लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी मुश्किल था, जबकि मनरेगा की योजना में कुआं, डोभा आदि का निर्माण से यहाँ के मजदूर अपना ग्राम स्तर में ही रोजगार कर रहे हैं। बाहर के भी कुछ मजदूर जो प्रवासी मजदूर के रूप में सूरत, बम्बई में काम करते थे, उन लोगों को भी घर आ जाने से उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, उसको रोजगार मिल पाना मुश्किल हो गई थी इधर, लेकिन इस मनरेगा योजना में उसको काम मिला और यहीं वो काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं।